अयोध्या पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते हुए केंद्र से प्रदेश सरकार तक को निशाने पर रखा। यहां तक कि गठबंधन के बल पर केंद्र में सरकार बनाने का फॉर्मूला भी बताया। अम्बेडकर नगर में प्रधानमंत्री की रैली को लेकर अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, ये चुनाव देश के बदलाव का है, देश के बदलाव का चुनाव है। देश नया तभी बनेगा जब देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा। ये गठबंधन देश को नई सरकार, देश में नया प्रधानमंत्री बने उसके लिए लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी 2014 के अपने वादों को याद नहीं कर रहे हैं। आज वो अच्छे दिन भूल गए, 2 करोड़ नौकरी देने वाली बात भूल गए, वो जो किसानों की आय बढ़नी थी वो भूल गए, लाभकारी मूल्य 1.5 गुना दे देंगे वो भूल गए। आज जो परिस्थितियां हैं, जो जनता आकलन करेगी, वो 5 साल दिल्ली के सरकार के और 2 साल उत्तर प्रदेश की सरकार का आकलन करेंगे। भविष्य में भी मौका मिलेगा तो अयोध्या फैजाबाद को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी तो देख लिया, सड़कों पे जानवर है, कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी है, नहीं कर पा रहे। और गंगा मैया से कसम खाई थी कि हम नदी साफ़ कर देंगे, बताओ आपकी सरयू कितनी साफ़ हो गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने छल धोखे से, साजिश से सरकार बनाई थी। इस बार जनता जागरूक है, चाय का स्वाद नहीं अच्छा लगा तो अब उन्हें चौकीदार भी नया चाहिए। पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि जब देश को अपने आप एक नया प्रधानमंत्री सभी दलों ने मिलकर के बनाया था, जो परिस्थितियां हैं अगर हम आकलन करें तो आज भी प्रदेश में अगर 70 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें नहीं जीतती तो शायद उनकी दिल्ली में सरकार नहीं बनती। ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।